Good morning everyone, welcome back. Now my topic is mode of production. हम लोग थोड़ी देर पहले मार्केट के बारे में हम लोग बोल चुके हैं, अभी हम लोग मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बोलेंगे. मोड ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग टू वे में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. एक है प्रोडक्शन फोर्सेस, दूसरा है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन. एक है सो दिस इज प्रोडक्शन फोर्सेस एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन फोर्सेस के बारे में पहले हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं. सो व्हाट इज प्रोडक्शन फोर्सेस? प्रोडक्शन फोर्सेस इट इज ह्यूमन लेबर एंड अदर मीन्स टू द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन फोर्सेस मीन पहले तो प्रोडक्शन के ही बारे में हम लोग बात करेंगे. और प्रोडक्शन के साथ क्या आता है, कौन सा चीज सबसे करीब है प्रोडक्शन के साथ, दैट इज ह्यूमन लेबर. जैसे लैंड, बिल्डिंग, टूल्स, टेक्निकल नॉलेज, ये सब कुछ प्रोडक्शन फोर्सेस के अंदर आ जाता है. कौन सा चीज आता है अगर हम एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे तो लैंड. बिल्डिंग्स, नॉलेज, टूल्स, ये सब कुछ प्रोडक्शन के अंदर आ जाता है, प्रोडक्शन फोर्सेस के अंदर आ जाता है. और दूसरा है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन. रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, ये दोनों तरीके से होता है प्रोडक्शन को. एक तो सोशली होता है, दूसरा है टेक्निकली होता है. सोशली सोशल होता है, दूसरा है टेक्निकल. ये दोनों तरीके से ये होता है. इसका जो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, दैट इज पावर, प्रॉपर्टी, कंट्रोल, इस तरीके का ये इसका एग्जांपल्स है. पावर, property, control, etc. ये सब इस चीज का जो है, इस चीज का relation of production का examples है. Actually, mode of production मतलब the way of production is taking place. किस तरीके से हम लोग production करते हैं. अगर हम प्रोडक्शन फोर्सेस के बारे में बात करेंगे तो ह्यूमन लेबर्स प्रोडक्शन आ जाता है, उसके साथ लैंड, बिल्डिंग, टूल्स, टेक्निकल नॉलेज आ जाता है. और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सोशल, टेक्निकल दोनों तरीके से आता है. सोशली क्या आता है, सोशली पावर आता है, प्रॉपर्टी आता है, कंट्रोल आता है. टेक्निकल तो आप लोग टेक्निकल के बारे में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल काम आता है, तो इसको ही हम रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन हम लोग बोल सकते हैं. अब प्रोसेस ऑफ द मोड ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पर 6 या 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन सब इम्पॉर्टेंट नहीं है. आप लोगों के लिए सिर्फ मार्क्सिस्ट थियोरी ही इम्पॉर्टेंट है. सो पहले प्रोसेस ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग जान लेते हैं क्या क्या है. प्रोसेस ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन,
ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग नंबर वन ट्राइबल एंड नियोलिथिक मोड ऑफ प्रोडक्शन मैं इस तरीके से ही लिख रही हूँ मोड ऑफ प्रोडक्शन को। उसके बाद आता है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन मोड ऑफ प्रोडक्शन। थ्री आता है फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ आता है एंटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद आता है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन उसके बाद आता है, मैं ऊपर लिख रही हूं, सोशल मोड ऑफ प्रोडक्शन। सेवन जो है कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। इस सिक्स टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये कैपिटलिस्ट होगा, ओके, ये सिक्स टाइप में। लेकिन आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में मैं बात कर ली थी, कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। मोड ऑफ प्रोडक्शन ये जो है, ये प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मार्क्सिस्ट थ्योरी। इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी में भी कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। द मोड ऑफ प्रोडक्शन इन द मटेरियल लाइफ डिटरमाइंस दैट द जनरल कैरेक्टर ऑफ द सोशल पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। उन्होंने ये बात बोले थे कि डेफिनेटली जो मटेरियल जो लाइफ होता है हम लोगों के लिए, मटेरियल लाइफ किसको सिग्निफाइज करते हैं, हम लोगों को सोशली हम लोगों को सिग्निफाइज करते हैं, पॉलिटिकली करते हैं, स्पिरिचुअली करते हैं। ये तीनों टाइप में ये सिग्निफिकेंट है, सोशल पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल। मार्क्स जो बिलीव करते हैं दैट इज द होल सिस्टम ऑफ द सोशल वर्ल्ड शेप्ड इन अ मोड ऑफ द प्रोडक्शन व्हिच इन टर्न शेप्ड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सर्कुलेशन कंजम्पशन एंड ऑल अदर टुगेदर। मतलब क्या है, ये जो प्रोडक्शन के बारे में उन्होंने जो बात की थी, प्रोडक्शन प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, शेप ऑफ मोड द प्रोडक्शन। सिर्फ प्रोडक्शन होने से ही काम नहीं चलता है, उसके लिए सर्कुलेशन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर मैं एक मोबाइल में खुद से बनाई, अगर मैं उसको मार्केट में मैं नहीं भेजा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मुझे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा सबके लिए। पहले मार्केट में तो फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद वो लोग जो फीडबैक देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलेशन होगा उसका, उसका सर्कुलेशन होता देन कंजम्पशन होगा। सो ऑल आर टुगेदर इज लाइक प्रोडक्शन दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन सर्कुलेशन एंड कंजम्पशन।
ये तीनों जो चीज है, इस तीनों चीज के बारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में, मैं इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिख दे रही हूँ क्योंकि ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। द सोल ऑफ द प्रोडक्शन इज कोऑर्डिनेटेड थ्रू द इकोनॉमिक प्लानिंग एम ऑफ द प्रोडक्शन एंड द सोशल वेलफेयर। एक्चुअली मार्क्स का जो व्यू पॉइंट था वो था प्रोडक्शन जो भी हो, इकोनॉमिक प्लानिंग एक प्लानिंग के साथ होता है। प्रोडक्शन जब होता है कोऑर्डिनेशन लगता है, प्लानिंग होता है, इकोनॉमी को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद एम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर। प्रोडक्शन जो भी हो उसका एम क्या होगा, वट एवर द प्रोडक्शन, एम ऑफ द प्रोडक्शन, एम ऑफ द प्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो एम ऑफ द प्रोडक्शन क्या होगा। एम ऑफ द प्रोडक्शन होगा कि पहले तो हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, प्लानिंग के थ्रू, उसके अंदर कैपिटल इन्वॉल्व होगा, उसके अंदर जो होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन, लेबर का कोऑर्डिनेशन तो चाहिए, ओनर सिर्फ अकेले अकेले तो प्रोडक्शन नहीं कर सकता। प्लानिंग, कैपिटल एंड कोऑर्डिनेशन, ये तीनों चीज बहुत जरूरी है क्योंकि कॉज क्या है, प्रोडक्शन इज द एम ऑफ प्रोडक्शन इज सोशल वेलफेयर, इसका एम क्या है, सोशल एम है सोशल वेलफेयर। सो हम लोगों के देश में एक चीज आप लोग जान लीजिए कि हम लोगों के देश में इंडिया ने कौन सा इकोनॉमी एडॉप्ट कर किया है, इंडिया ने कौन सा इकोनॉमी चलता है, और इंडिया में रैदर आई कैन से द इंडिया में कौन सी इकोनॉमी चलता है, चलता है क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच। ये इंडिया में चलता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, टिल देन गुड बाय।